लीजिए, फिर से आप सभी का स्वागत है पाठशाला रेलवे एग्जाम में। और मैं आपके साथ फिर आज से आपको 20 क्वेश्चन ऐसे साझा करने वाला हूं जो हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे, जिनका आना लगभग लगभग तय है, और ये पूरी गणित से होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दिखता है, कह रहा है कि ये एक संख्या है, अगर ये 90 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अगर कोई संख्या 90 से विभाज्य होती है तो इसका मतलब वो 10 और 9 से भी होगी। अगर कोई संख्या 10 से विभाजित होती है तो इसका मतलब उसकी इकाई का अंक 0 होना चाहिए, यानी y का मान 0 आ गया। अब अगर y का मान 0 आ गया तो मैं जानता हूं कि दूसरी संख्या जिससे विभाजकता का नियम देखना है वो है 9। तो मैं देखता हूं कि 9 कैसे आ सकता है, तो 5, 6, 7 तो है, यानी x का मान क्या होना चाहिए, 2, तभी यह 9 से विभाजित होगा। तो x का मान होगा 2 और y का मान होगा 0, यानी x प्लस y का मान 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही जवाब होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से समझिएगा। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, यानी कि जब वो 105 रुपए की चीज बेची गई, 9% हानि का मतलब उस वस्तु की कीमत 91% की रही है। 30% का लाभ कमाना है। अब अगर इस पर 30% का लाभ कमाना है तो वस्तु को 130% का बेचना होगा, और तब ये कितने की बिकेगी यही आपको बताना था। 13 से 10 बार में 7 से इसको काट लीजिए, 7 एकम 7 बचेगा यहां पर 3, 7 5 में 35, तो 15 × 10, यानी जब वो 30% का लाभ लेगा तो वस्तु को 150 रुपए की बेचेगा। कितने की? 150 की। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चीनी के दाम में 12.5% घटने पर एक व्यक्ति को 840 रुपए में 3 किलो चीनी और अधिक मिल सकती है, तो आपसे कह रहा है चीनी की नई कीमत क्या होगी। 12.5% दाम घट गया, यानी कि चीज की कीमत 8 से 7 हो गई। 12.5% मतलब 1/8, 8 से 7। अब अगर कीमत 8 से 7 हो गई तो जो क्वांटिटी होगी वो 7 से 8 रही होगी, बढ़ गई। आप देखिए यहां पर ये है इसका प्राइस और ये है इसकी क्वांटिटी। अब देखो क्वांटिटी किस अनुपात में बढ़ी है, 7 से 8 यानी कि 1, और सवाल के हिसाब से कितनी बढ़ी है, 3 केजी। तो 1 का मान अगर 3 केजी है तो सिंपल सी बात है 7 की वैल्यू 21 किलोग्राम होगी और 8 की जो वैल्यू होगी वो होगी 24 किलोग्राम, करेक्ट। व्यक्ति पहले भी 840 रुपए खर्च करता था, वो आज भी 840 रुपए ही खर्च करता है। तो पहले 840 रुपए जब वो खर्च करता था तो उसको 21 के भाव से 21 किलो चीनी खर्च होती थी, यानी भाव क्या मिलेगा, 21 × 84। पहले वाला भाव अगर चीनी का पूछा जाता तो कहते 40 भैया, लेकिन पूछा क्या गया है, चीनी की नई कीमत। यहां पर अब अगर वो 840 रुपए खर्च करता है तो उसको किस भाव से चीनी बढ़ेगी, 12 × 7 = 84 और 12 × 2 = 24, 70/2 का मतलब अब उसको चीनी की कीमत मिलेगी 35 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, दो बस एक ही समय पर दो बस स्टैंड से एक दूसरे की तरफ 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, 40 से चलती है और ये 50 से चलती है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं, करेक्ट है। आगे क्या कहता है, जब वे मिलती है तो एक बस दूसरी से 160 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझ लीजिएगा कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यानी कि दूरी नियत होती है, डिस्टेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो जो टाइम का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम का अनुपात सीधे समानुपाती होता है स्पीड के अनुपात के। यानी अगर इनकी स्पीड 40 और 50 है तो टाइम का जो अनुपात होगा वो 4 और 5 होगा, टाइम का अनुपात 4 और 5, और जो स्पीड है वो 4 और 5 सेम। अब कहता है कि एक अगर 160 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है तो दोनों का अंतर कितने के बराबर है, 1 यूनिट, जिसका मान 160 किलोमीटर दे दिया। कहता है दोनों बस स्टैंड के बीच की दूरी, तो दोनों बस स्टैंड के बीच की दूरी इन दोनों के योग के बराबर होगी, 9 × 160, यानी कि दोनों बस स्टैंड के बीच की दूरी कितनी होगी भाई, 1440 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 24 दिन में और सी 36 दिनों में कर सकता है, तो मैंने एलसीएम ले लिया 72। ये क्या है, 72 टोटल वर्क आ गया। अब अगर मैं ए की क्षमता निकालता हूं तो 18 से 4 बार आ जाएगी, बी की क्षमता 24 से 3 बार आएगी और सी की क्षमता 36 से 2 बार आएगी। ये क्षमताएं आ गई, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। मतलब अगर एक दिन में ए 4 काम करता है, बी 3 करता है तो सी 2 करता है। क्या कहता है आगे,
यदि ए बी सी एकांतर दिनों पर काम करते हैं, यानी पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, तो मैं ये देख पाऊंगा कि 3 दिन में अपने पास जो काम होगा वो 9 काम होगा। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन का जो काम होगा वो 9 काम होगा। हमें काम करना कितना था? 72। कितने का गुणा करें? 8 का। तो यहाँ पे भी 8 से गुणा। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 24 डेज में, 24 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, यहां पर मूलों का गुणनफल चाहिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के मूलों का जो गुणनफल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, वो होता है सी अपॉन ए। सी क्या है? 12। ए क्या है? 1। तो यहां पर जो मूलों का गुणनफल होगा 12/1, यानी 12 ही आएगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। इसको भिन्न में बदलने की बात कर रहा है। देखिए क्या रहा, 4 पॉइंट और उसके बाद 2 2 2, यानी 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। अगर 2 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 2 के ऊपर 12 लिख सकते हैं, और 2 के ऊपर 12 लिखने का मतलब है इसे 2/9 भी लिखा जा सकता है। अब अगर भिन्न में बदलना, 9 चौको 36 और 2 38/9 करके इसे लिखा जा सकता था, लेकिन ऑप्शन यहां पर उस हिसाब से नहीं है, तो मैं ऑप्शन क्या लगाऊंगा? बार के हिसाब से, कि 4.22 के ऊपर बार रहेगा। सही जवाब ए जाएगा, ठीक, ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है, इसका अंतर दिया है 54। तो 2 का मान किसके बराबर है? यहां पर डिफरेंस 2 का है, 2 की वैल्यू 54 है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 27। और अगर 1 का मान भाई 27 आया है, तो कह रहा है छोटी संख्या यानी 3 का मान क्या होगा? 3 का मान हो जाएगा 81। 27 × 3 यानी कि 81 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है डिस्काउंट का, और डिस्काउंट के क्वेश्चन इस बार खूब पूछे जा रहे हैं। 3 साड़ी खरीदने पर 2 साड़ी मुफ्त मिलती है, बताइए साड़ी पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया? 3 के लिए पैसे दिए, इसके साथ 2 चीजें फ्री मिल गई, यानी ग्राहक जो है वो अपने घर पर टोटल कितनी वस्तुएं लाया? सबसे पहले तो ये बताइए। बोले सर 5 लाया, जिसमें उसे फ्री कितनी मिली है? सर 2 मिली है। तो 2/5 ही उसका डिस्काउंट परसेंट होगा, जो कि 40 के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40% का डिस्काउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। 1500 रुपए का 2 वर्षों में साधारण ब्याज 240 मिलता है, तो अगर 2 वर्षों का SI 240 है तो 1 वर्ष का SI 120 होगा, और जो 1 वर्ष का SI होता है उसी को हम मूलधन पर अगर कैलकुलेट करते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है 0 से 0 काट लीजिए, 1/ यहां पर देखेंगे तो आपका मान आ जाएगा 15/8 120। कितना आ जाएगा? 15/8 120, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 8%। कितनी हो जाएगी? 8%। बात समझे ना भाई, इसमें कुछ किया नहीं है, 120/1500, और यहां पर अगर 100 का गुणा कर दोगे तो वही बात आ जाएगी, कितनी? 8%। बात समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल पर। 4 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा? किन्हीं भी 2 संख्याओं का अगर मीन प्रपोर्शन यानी मध्यानुपाती निकालना हो तो उसको लिखते हैं रूट के अंदर a इंटू b। तो यहां पर a क्या दिया है? 4। b क्या दिया है? 16। दोनों का गुणा करेंगे 64, तो मध्य अनुपाती क्या मिलेगा? 8। c इज करेक्ट। नेक्स्ट, 51 से लेकर 100 के बीच सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? तो मैं अगर 51 से लेकर 100 तक की बात करता हूं, तो 51 के बाद जो पहली अभाज्य संख्या मिलती है वो मिलती है 53, और 100 से पहले तक जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 100 से पहले तक वो होगी 97। इन दोनों का योग पूछा है, तो 9, 5, 14 और इधर मिल जाएगा तो 150, यानी दोनों का योग क्या बनेगा? 150, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, ठीक। कहता है इसका सोल्यूशन करना है, किसका? x² - 7x है और +6 है, इसका सोल्यूशन करना है। तो गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 6 जोड़ने पर 7, यानी कि संख्याएं जो रूट्स होंगे वो क्या क्या होंगे? 6 और 1, काम खत्म। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 6 सही जवाब। नेक्स्ट, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? ये भी सवाल अच्छा है। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत मतलब समझ लो पहले तो इसका, जैसे 11 का पहला जो गुणज है वो 11 होगा, 11 का जो दूसरा गुणज है वो 22 होगा, 11 का तीसरा गुणज 33 होगा, इसी प्रकार आगे भी ऐसे ही आपको 11 के 12 गुणज चाहिए। तो 11 तो कॉमन हो जाएगा, तो 1 से लेकर कितनी संख्याएं कहां तक आ जाएंगी? 12 तक ब्रैकेट में आ जाएंगी, और इसका जब गुणा होगा, औसत चाहिए, तो जितनी संख्याएं होती हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं,
यानी 12 से डिवाइड कर देंगे। अब जरा देखिएगा, सुनिएगा, एक से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है, ये सारा बच्चा बच्चा जानता है, इस भारत का और दुनिया का बच्चा बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो सब नहीं। उसके बाद हमें इसमें 11 और 12 करके ऐड कर देना है, तो 55 और 11 66, 66 और 12 78, यानी यहां पर आ जाएगा 11 × 78, 11 × 78/12, ठीक है। 6 से काटिए, 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6 और 6 × 3 = 18, ऊपर आएगा 13 × 11 यानी कि 143 और नीचे आएगा / 2, तो ये आपका उत्तर दे देगा 71.5। एवरेज क्या बन जाएगा? 71.5, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में लिखा है। अगले सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 लिख दिया गया, 53 को 83 लिख दिया गया, तो कितना ज्यादा लिखा है? 30 ज्यादा, इसी 30 को कम करना है हमें। लेकिन जब ये कम करेंगे तो इसका प्रभाव तो सभी 100 बच्चों पर पड़ेगा, 100 बच्चों पर, 0 से 0 खत्म। एक बच्चे पर जो प्रभाव पड़ेगा वो उसका अंक 0.3 से माइनस होगा यानी घट जाएगा। तो पहले औसत क्या था? 40। अब अगर औसत अंक 0.3 से घट जाएगा तो अब सही औसत क्या बचेगा? 39.7 यानी 39.7। अगला सवाल देखिए, 12,000 रुपए का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो 7 × 2 = 14% ब्याज मिलेगा और 12,000 का 14% 168, 14 × 28 के हिसाब यानी 1680 रुपए, काम खत्म, पैसा हजम। अब आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो कि 12,000 का 14%, तो लिख के भी कर सकते हो मित्र, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इतनी तकलीफ तो आपको करनी पड़ेगी कि ये आपको लिखने के लिए अपने 25 सेकंड वेस्ट करने पड़ेंगे, जो कि नहीं करने हैं। वस्तु को 30% हानि पर 280 में बेचता, 30% हानि मतलब 70% में बेचा, 70% की कीमत है 280, मतलब 4 का गुणा किया। 5% का लाभ, 5% लाभ मतलब 105 की होनी चाहिए, तो कितने में बेचे? 4 का गुणा करके, 105 × 4 अगर हम करेंगे तो 420 रुपए में बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा? 420। कहां लिखा है? सी में लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए अगला सवाल कह रहा है, किसी एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर हैं, उस विकर्ण के सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब की लंबाई है। सम चतुर्भुज की, सी चतुर्भुज की बात कर रहा है, आइए चतुर्भुज बना लेता है। इसका एक विकर्ण आपको बता दिया है 32 है, सामने से लंब डाले गए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं, जिसकी लंबाइयां हैं 10 और 6, और ये जो लेंथ आपको एक डायगोनल की दे रखी है, ये दे रखी है 32। कहता क्या है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप पहले तो इस ट्राइंगल को देख लो जो कि समकोण बना रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और समकोण चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। सेम काम यहां पे भी हो जाएगा, ये भी क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट होगा यानी कि 6। अब आप देखो इन दोनों को जोड़ना है तो कॉमन क्या मिल रहा है? 1/2 × 32 यानी 16 बाहर कॉमन हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा? 10 और 6 = 16, तो यानी 16 × 16 आप करेंगे तो 256 आपका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, काम खत्म, पैसा हजम। बात समझे भैया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा था कि इसमें इसकी वैल्यू बतानी है आपको, देखो जरा ये सवाल है, इसमें x का मान बताना है, गौर करिएगा भाई, इसका मतलब है बाहर की बाउंड्री बाहर के साथ मल्टीप्लाई, अंदर की बाउंड्री अंदर के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 26x बराबर आपके पास आएगा 52 × 143, तो 26 × 52 और 143 × 2 करेंगे तो 286 मेरे पास मेरे दोस्त उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाएंगे, और अभी तक ऐसे ही सवाल हर एक परीक्षा में पूछे गए थे। तो ये कुछ ऐसे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनका सीरीज मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा टिल एग्जाम तक, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा, और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक आप इसको अपना स्नेह देते रहोगे, लाइक और शेयर और कमेंट जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे, उससे प्रोत्साहन बढ़ता है, मोटिवेशन आता है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।